हेलो एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेडी मोमेंट्स में। होप आप सभी अपने घर में सेफ और हेल्दी होंगे। हेल्थ की बात हो रही है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ घर में हेल्दी और प्योर और टेस्टी गरम मसाला बनाने की रेसिपी शेयर करूं, जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ सालों से। ये मैंने अपने मम्मी से सीखा है कि गरम मसाला कैसे बनाते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मोस्टली लोग पैकेट का गरम मसाला खाते हैं जो कि बाहर से आता है, और उसके बारे में हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि हम मतलब उसमें क्या चीज़ें हैं, हम खा क्या रहे हैं, कौन से मसाले डाले। टेस्टी तो ऑब्वियसली होता है, लेकिन जो मसाला की रेसिपी आज मैं शेयर करने वाली हूँ वो भी टेस्टी होगा और साथ साथ वो प्योर भी होगा। और ये मसाला आपके लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे भी इंडियन मसाले बहुत ही हेल्दी होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, कि एक लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पहले स्टार्ट करते हैं जीरा से। जीरा जो है ये मैंने इस कप से मेज़र किया है। इस कप में हम जीरा लेंगे, एक कप जीरा, ये एक कप जीरा है। ये जो जीरा होता है इसको क्यूमिन सीड्स भी बोलते हैं, क्यूमिन बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को दूर करता है, इससे हमारे डाइजेशन अच्छी होती है। ये मैंने ले लिया जीरा, और उसके बाद जितना जीरा लिया है हमने उतना हम लेंगे इसमें आधा कप ये धनिया, जिसको कोरिएंडर सीड्स बोलते हैं। ये धनिया, ये हमने इतना आधा कप जितना धनिया ले लिया, और जितना जीरा है उतना उसका आधा धनिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये काली मिर्च जितना जीरा का आधा, ये आधा, एक मेजरिंग कप से आप बनाएं तो अच्छा बनेगा बराबर सा। ये रहा काली मिर्च, ये आधा काली मिर्च ले लिया हमने, है ना। अब क्या करेंगे, काली मिर्च को हम बोलते हैं ब्लैक पेपर। अब हम इलायची लेंगे, ये छोटी ग्रीन कार्डमम, ये 10 ग्रीन कार्डमम ले लिया हमने, 10 से 12 ये। और इसमें लेंगे 5 से 6 बड़ी इलायची, जिसे ब्लैक कार्डमम बोलते हैं, ये ब्लैक कार्डमम ले लिया हमने। और हम लेंगे 20 लौंग, लौंग को क्लोव्स भी बोलते हैं। ये तो मतलब सबको ही पता होगा कि ये हमारे जो डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं टीथ में, तो ये उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है इसका ऑयल। तो ये सारे जो इंडियन स्पाइसेस होते हैं बहुत हेल्दी होते हैं, अच्छे होते हैं। ये है सिनेमन, इसको दालचीनी बोलते हैं, ये इसका टेस्ट बहुत रिफ्रेशिंग होता है। ये हम डालेंगे 2 ऐसे बड़े बड़े पीसेस, 2-2 इंच के 2। फिर मैंने लिया है ये तेज पत्ते, जिसे बे लीव्स बोलते हैं, तेज पत्ता मैंने लिया है 10। इतना गर्म मसाला मेरा मतलब हमारी छोटी फैमिली है तो उसमें तो 1 महीने चलेगा, और डिपेंड करता है आपके यूज़ पे, आप कैसे यूज़ करते हैं। ये है जायफल, ये क्या होते हैं कि ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, तो ये बहुत अच्छा होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। जैसे क्लोव्स में होती है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, ऐसे ही ये जायफल में होती है। ये है जावित्री, इसको मेस भी बोलते हैं। तो ये इतना मैंने जावित्री लिया है, ये गया जावित्री। अब ये शाही जीरा, इसमें जितना शाही जीरा लिया मैंने, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, ये शाही जीरा, ये पूरा शाही, इतना एक चम्मच जितना शाही जीरा। ये इतने सारे मसालों को मिक्स कर लिया हमने। अब इन मसालों को हम क्या करेंगे, थोड़ा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करेंगे, इतना नहीं करेंगे कि ये जल जाए, बस इतना, जैसे इसमें से अरोमा आने लगेगा वैसे ही हम गैस को बंद कर देंगे। फिर इसको ठंडा होने के बाद इसका पाउडर बनाएंगे, एक फाइन पाउडर, ऐसे हमारा घर का मसाला रेडी हो जाएगा। और फिर ये रेडी टू यूज़ और इजी टू यूज़ भी है, इसको बना के रख लें फिर चाहे जितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें धनिया नहीं डालते हैं, धनिया को अलग से धनिया पाउडर डालना पसंद करते हैं, तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। मैं तो इसमें धनिया भी डाल देती हूँ थोड़ा। और फिर क्या होता है, अगर किसी मसाले में ज़्यादा धनिया यूज़ करना है तो उस रूप में मैं अलग से धनिया पाउडर डालती हूँ। अब वैसे इसमें बना के रखें तो थोड़ा ईजी रहता है। और ये है
घर का जो हेल्दी गरम मसाला, प्राकृतिक गरम मसाला में हमें कोई आइडिया नहीं है उसमें हम क्या खा रहे हैं, इसको ज़रूर ट्राई करें और उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और इन कॉइन्स के लिए भी मुझे कमेंट ज़रूर करें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले यूज़फुल वीडियो के लिए बने रहें लेडी मोमेंट्स में। थैंक यू, बाय।